वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, सूरज प्रकाश ग्रंथ में कवि संत सोग सिंह जी लिखते हैं कि होए सिख जप कंठ न कीनो, कि एक सिख होके अगर आपने जपजी साहब कंठ नहीं किया, नाव तरीक पेख तर लीनो। कि उन्होंने ने फिर नाव तरीक कि उन्होंने बस नाम का ही कह लो कि पेख तर लीनो, उन्होंने बस अपना एक पेख बना लिया, बाहर से बाणा पा लिया, दुमाला साहब सजा लिया ऐसे, है ना, या कुछ भी अपने बाहर से पेख बना लिया, बट नाव तरीक वो सिर्फ नाम के लिए है, जिनको जपजी साहब कंठ नहीं, ठीक है। सो कंठ करना जपजी साहब इज समथिंग विच इज़ वेरी मिनिमम, जैसे मैंने कहा, तो ज़रूर हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अब जपजी साहब की हम मेन संध्या स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ मूल मंत्र। सबसे पहले एक ओंकार जिसको प्रनाउंस करते हैं, एक ओंकार, इसको ज़रूरी था कि मैं लिखूं नीचे, क्योंकि क्या है कि ये जो इक है वो पहली बात तो है कि नंबर है यहाँ पे, और दूसरा ओंकार ये भी एक सिंबल है कह लो, है ना, तो हमको ज़रूरी था कि हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें, तो इसलिए मैंने लिख दिया इधर। सो एक ओंकार, इसको लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी है, जैसे अगर मैं इंग्लिश की ट्रांसलिटरेशन भी इसकी मैं देखूँ, हमने एक बार पोस्ट में ट्राई भी किया था कि हमने एक ओंकार की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डाली थी, और उसमें क्या था कि हमने गुरुमुखी वर्जन और इंग्लिश उसका ट्रांसलिटरेशन वर्जन भी लिखा था, और उसमें काफ़ी संगत को कन्फ्यूजन भी हुई थी, जिन्होंने हमको कहा था कि ये जो आपने कहा है सही है, वो इंग्लिश में अभी भी सही नहीं है, बट देन हमने नोटिस ही हमने एक कमेंट डाल दिया था वहाँ पे एज अ नोटिस कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलिटरेट कर पाए, ठीक है। वो इधर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में एक ओंकार को, एक ओंकार को ओ ए एन जी के ए आर लिख दूंगा, ठीक है, बट वो उसको अगर मैं गुरमुखी में फिर पढ़ता हूँ तो उसकी साउंड आती ओंकार, क्योंकि इधर जी लग गया मेरा, तो मुझे इधर गग्गा लगाना पड़ेगा, सो ओंकार बन गया, जो कि गलत है। अगर मैं ओंकार करता हूँ तो फिर ओंकार सो ओंकार हो गया ऐसे, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगर मैं ओंकार कर देता हूँ ओ एन जी के ए आर, तो वो फिर ऐसे बन जाता ओंकार, तो वो भी गलत है। तो आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लो, आप ओंग को प्रनाउंस कर ही नहीं सकते, इसकी ट्रांसलिटरेशन बना ही नहीं सकते, ठीक है जी। सो इसकी साउंड है एक ओ अंग कार, जो अंग है वो अंग रुक जाता है बीच में, ठीक है, अंग ग नहीं होता, उसके बीच में ग नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है, ग नहीं आना चाहिए, ग होगा तो फिर वो एक वर्ड लग गया एक्स्ट्रा, वर्ड नहीं एक अक्षर लग गया उसके पीछे, एक लेटर लग गया, जो हमको नहीं करना। सो एक ओंकार, कई एकम कार भी कह देते हैं, कई तो अपने अपने भी बना देते हैं, कुछ भी, है ना, सो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सारे गलत है। सो मेन प्रोनाउंसिएशन इज एक ओंकार, ठीक है जी। नेक्स्ट, सतनाम, इसका जो सत और नाम है वो अलग अलग वर्ड है, सो सतनाम नहीं कहना हमने, सतनाम नहीं कहना, इट्स ऑलवेज सतनाम, सतनाम, इनको इकट्ठा नहीं करना, और जो ना की जो साउंड है वो लंबी खींचनी है, क्योंकि ना के साथ कन्ना लगा हुआ है, क्योंकि मूल मंत्र है ये, और काफ़ी सारी संगत में ऐसे भी है जो मूल मंत्र का जाप भी करते हैं, सो मैंने कुछ अक्षर ऐसे भी बीच में, कुछ लेटर्स ऐसे भी मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं जो हमको वाइल डूइंग जाप ऑफ मूल मंत्र हम उसको लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, तो वो मैंने जान के लिखी है ये चीज़, मैंने ये चीज़ हम फ्यूचर में भी ना करें कि हर एक अक्षर को हम बताएं कि किसको लंबा करना है किसको छोटा बोलना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो बता दिया है कि लघु मात्रा होती है एक दीर्घ मात्रा होती है ना, जो लघु होती है वो छोटी साउंड होती है, जो दीर्घ होती है वो लंबी साउंड होती है, सो जो नन्हे में जो कन्ना लगा हुआ है वो ऑब्वियसली हमको बता रहा है कि वो दीर्घ साउंड है, तो हमको उसको लंबा पढ़ना है, ठीक है जी। बट मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूल मंत्र है और काफ़ी सारे हम जाप भी करते हैं इसका। सो सत्य नाम अलग अलग अक्षर है, कम जोड़ना नहीं और नाम को लंबा खींचना है, सत्य नाम। नेक्स्ट, कर्ता पुरख, इसमें कोई ज़्यादा वो करने वाली चीज़ नहीं है, ये अलग अलग वर्ड है दोनों के, दोनों कर्ता पुरख कट्ठे पढ़ने हैं ये, मतलब अलग अलग वर्ड्स है बट इनकी मीनिंग एक ही साथ होती है, ठीक है, एंड एज वी सेड हम इसमें जपजी साहब में मीनिंग तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल इसका मतलब वही है कि वो कर्ता पुरख ने, वो करता है वो करने वाले ने, ठीक है, और काफ़ी बोलते टाइम करता करता भी कह देते हैं, तो वो आ की साउंड नहीं आनी चाहिए कक्के में, इट्स ऑलवेज करता, सो करता पुरख। इसमें तत्ता हमको लंबा खींचना है क्योंकि तत्ते में कन्ना लगा हुआ है, तत्ता, हाँ जी।
नेक्स्ट निरपो, ठीक है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी सारे इवन आई वुड से जो गुरुमुखी में भी पाठ करते हैं उनको भी उनमें उनकी भी ये काफ़ी गलतियां होती हैं। सो एक तो है कि कई बार हम निरपो पढ़ देते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है, पो की आवाज़ नहीं आएगी, ये पब्बा है, ठीक है, और कई निरपो कर देते हैं निरपो, ठीक है, जबकि ये जब हम निरपो बोल देते हैं तो वो क्या होता है कि पब्बे में ऊपर होड़ा लग जाता है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट ये साउंड क्या है कि पब्बा और उड़ा अलग अलग है, सो पाओ नॉट पो, सो पाओ और पो इनमें फ़र्क है, ठीक है। सो अगर मैं पो पढ़ता हूँ तो ऐसे इंग्लिश में अगर मैं उसको लिखूँ तो ऐसे बी एच ओ की साउंड आती है, ओ है ना, बट हमको पढ़ना है पाओ, सो बीच में एक ओ की साउंड आती है, उड़े की जो साउंड है, ठीक है जी। सो निरपो नॉट निरपो और निरपो जो भी है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम की गलतियां होती है। नेक्स्ट निरवैर, इसमें भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, वव्वा लंबा रखना है जी, ठीक है, निरवैर ये एक ही अक्षर है निरवैर। अकाल मूरत, ठीक है, इसमें भी अकाल पढ़ना है नॉट काल, कई अ को खाई जाते हैं, ठीक है जी। कक्के की साउंड लंबी आएगी, मम्मे में जो अंकड़ लगा हुआ है वो भी उसकी भी साउंड लंबी आएगी, ठीक है जी, अकाल मूरत। और मेक श्योर करना है कि जो एंड में जो तत्ता है उसकी साउंड जरूर आए, ठीक है, कई बार हम मिस कर जाते हैं तत्ता बोलने में, वो मोशन में निकल जाता है वैसे, ठीक है जी। सो अकाल मूरत, पूरी साउंड तत्ते की आवाज़ आनी चाहिए, अकाल मूरत। नेक्स्ट अजूनी, इसमें सेम जज्जे की साउंड लंबी है, जज्जे में दुलंकड़ उसको लंबा पढ़ना है, और अयूनी नहीं पढ़ना ना जूनी पढ़ना है, ठीक है जी, अजूनी पूरा अजूनी अजूनी। सै पंग, ये भी कट्ठा अक्षर है और इसमें भी सेम कैच इको ओंकार वाला है, जैसे इको ओंग में भी एडे में ऊपर टिप्पी थी, सॉरी गग्गे के ऊपर टिप्पी थी, सिमिलरली इसमें पब्बे के ऊपर टिप्पी है, सो पंग नहीं कर देना, ठीक है जी, लास्ट में ग नहीं लगाना, अगर आप लास्ट में ग लगा दोगे तो अगेन उसकी साउंड गलत हो जाएगी, सो सै पंग बीच में ही रुक जाता है वो पंग, और इवन सै बंग भी नहीं पढ़ देना, काफ़ियों के बब्बा निकल के बब्बे की साउंड आ जाती है, सो बब्बा नहीं करना पब्बा करना है। गुरप्रसाद, ठीक है, ये भी अलग अलग अक्षर है, और पप्पे के पैर में रारा लगा हुआ है, ठीक है, विच इज़ वो कह लो कि पैर में रारा है, ठीक है, नॉट अ प्रॉपर रारा, ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न वाई उसकी प्रोनाउंसिएशन विल नॉट बी प्रसाद, ठीक है, अगर हम प्रसाद बोलेंगे तो वो पप्पा रारा रारा पूरा आ गया, ठीक है, बट इट्स मोर ऑफ प्रसाद, ठीक है जी, सो पी आर ए एस ए डी हो गया इंग्लिश में कह लो प्रसाद, गुरप्रसाद। और यहाँ पे एक और पॉइंट जो आई थिंक मैंने लिखा नहीं है, बट एक और पॉइंट जो नोट करना है वो कि सस्से के नीचे बिंदी नहीं लगानी, ठीक है जी, प्रसाद नहीं करना ये, ठीक है, अगर आप प्रसाद कर दोगे वो फिर कड़ा प्रसाद वाली प्रसाद हो जाता है, ये जो प्रसाद है इसकी मीनिंग है गुरु की कृपा, सस्से के बिना जब सस्से के नीचे बिंदी नहीं होगी दैट इज मीन्स कि गुरु की कृपा द्वारा वो अकाल पुरख हमको हम अकाल पुरख तक पहुँच सकते हैं, ठीक है जी, कौन सा अकाल पुरख, जिसकी डेफिनेशन हमने मूल मंत्र में देखी, सो इको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, जिनका नाम सत्य है वो कर्ता पुरख ने, वो निरपौ ने, वो निर्वैर ने, ना उस अकाल पुरख तक पहुंचने का रास्ता हमको गुरु महाराज ही गुरु की कृपा से ही हमको मिल सकता है, सो उसमें हम फिर सस्से में बिंदी नहीं लगाएंगे, सो गुरु प्रसाद की साउंड ही आएगी, हम बाय डिफॉल्ट हम प्रसाद बोल बोल के हमारा मुंह इतना चढ़ जाता है कि हम फिर वो चीज़ इधर भी अप्लाई करते हैं, वो नहीं करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जप, अब यहाँ ये आ गया कि जपजी साहब की बाणी का कह लो कि यहाँ से यहाँ ये बाणी का नाम है ना, उसके पहले हमने जो देखा वो था महामंत्र, ठीक है, महामंत्र क्या था, जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था महामंत्र था जो गुरु नानक देव जी को अकाल पुरख जी ने दिया था, जो वो वेई नदी में गए थे, है ना, अब यहाँ से जपजी साहब की स्टार्ट होती है विच इज जप, ठीक है, ये वाणी का नाम है और इसको सॉफ्टली प्रोनाउंस करना है, ठीक है जी, सो इट विल बी जप नॉट जप,
है ना, जप नहीं कर देना इसको, ये जप, हल्के सी साउंड आएगी इसकी, जप। इसको थोड़ा सा पॉज देना है, ठीक है जी। आप देखो दोनों तरफ डंडे लगे हुए हैं, है ना। दैट मीन्स कि जब आप मूल मंत्र, जब आप माँ मंत्र बोल के फिनिश करते हो तब भी छोटा सा पॉज करना है, और जब आप नेक्स्ट आगे आद सच जुगाद सच में जाने वाले हो तब भी एक थोड़ा सा पॉज देना है, ठीक है जी। उसको जोड़ना नहीं है, ना पिछले वाले में जोड़ देना है ना आगे वाले में जोड़ देना है, ठीक है। सो अगर मैं पढ़ रहा हूँ मूल मंत्र तो मुझे ऐसे करना है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद जप आद सच, ठीक है जी, जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सो अगर हम इसको काफ़ी, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी जैसे हम गलत पढ़ देते हैं उसका एग्जांपल मैं देता हूँ। सो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद जप, है ना, गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच, नहीं ऐसे नहीं करना, गुरुप्रसाद जप नहीं कर देना, गुरुप्रसाद जप आद सच ऐसे, ठीक है, पहले भी और एंड में भी, और एंड और दूसरी में भी ऐसे ही है कि आपने लेट सपोज गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच, नहीं जप आद सच नहीं। सो जप के आगे पीछे दोनों तरफ थोड़ा सा पॉज देना हमको, बिकॉज वहाँ पे हम ठहराव दे रहे हैं, वो हम जप वाणी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। आद सच, इसमें भी वही है जो सच वर्ड है उस पर थोड़ा सा भार देना आपको, ठीक है जी। सच सच कह लो कि एक तरीके से उसके ऊपर अदक लगेगी, सो आद सच। सिमिलरली जुगाद सच, यहाँ पे जुगाद है ना उसके ऊपर भी एक छोटी सी वो भार आएगा, सो जुगाद नॉट जुगाद जुगाद, एक अदक यहाँ पे भी आएगी जज्जे के ऊपर हल्की सी। आद सच जुगाद सच, सच के ऊपर भी सेम। हैप्पी सच, यहाँ पे भी सच आ गया, सेम चीज इधर भी अप्लाई होती है, इधर सच इधर भी सच में वो पारा पड़ेंगे, हैप्पी सच। नेक्स्ट नानक होसी पी सच, अब नानक में यहाँ पे जम्मक है एक, ठीक है, जम्मक हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, जम्मक होती है एक छोटी सी पॉज, ठीक है। सो नानक होसी पी सच नहीं पढ़ना हमने एक साथ, नानक होसी पी सच ऐसे, नानक होसी पी सच, सेम इधर भी सच में वो प्रेशर देना हमको, ठीक है जी। ये कलर कर दिए जान के, आगे भी हम ऐसे कलर करते रहेंगे, जहां जहां पे आपको विश्राम या जम्मक देना है वहां पे हम ऐसे कलर करते रहेंगे अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा लगता रहे। अब यहाँ पे काफी सारी मात्रा आपको ऐसे भी दिख रही होगी, जैसे मम्मे के नीचे ओंकड़ है, उड़े के इधर ओंकड़ है, पप्पे के नीचे ओंकड़ है, है ना, या दद्दे में से हारी है, और आप में से आई थिंक मोस्टली काफी को ये मिसकंसेप्शन हो सकती है कि ये सारी मात्रा साइलेंट होती है, जिसमें एंड में ओंकड़ आ गया या दद्दे में छोटी की मात्रा आ गई तो ये साइलेंट है। नहीं प्यारे हो, ये कोई भी मात्रा साइलेंट नहीं होती, इट्स जस्ट दैट कि जब हम सुनते हैं तो हमको ऐसे साउंड होता है कि वो जो पढ़ने वाला है उसकी साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। बट हर एक मात्रा इसमें बोलती है, महाराज ने वैसे ही नहीं लगा दी है उनमें, ठीक है जी, हर एक की साउंड आती है, कहीं पे कम होती है कहीं पे ज़्यादा होती है, बट साउंड हमेशा हर एक मात्रा की आती है, ठीक है जी। सो अगर मैं आपको धीरे धीरे भी पढ़ के बताऊँ, सो जैसे ये सत नाम लिखा हुआ है ना, सो अगर मैं इसको बिना तत्ते में से हारी लगाए बोलूँ तो सत आएगा सिर्फ, सत है ना, जब तत्ते में से हारी की साउंड आती है, आपको मुझे नहीं पता आपको वो साउंड आएगी या नहीं आएगी, बट मैं फिर भी आपको बोल के बता देता हूँ, इट विल बी साउंड लाइक सत्य, तत्ते से हारी ते, अगर आपने मुहारनी पढ़ी होगी तो तत्ते से हारी ते, सो सत्य नाम। मम्मे में भी ओंकड़ है, ठीक है, मम्मे ओंकड़ मो, मम्मे ओंकड़ मो, सो सत्य नाम, ठीक है। कर्ता पुरख, ठीक है, आपको साउंड नहीं आई बट मैंने बोली है, खखे के ओंकड़, खखे के नीचे ओंकड़। निरपौ, ये तो है ही। निर्वैर, निर्वैर। और अभी आप नोटिस करो, अब आप ये सोच रहे होगा कि ये तो मूल मंत्र ही इतनी कन्फ्यूजन से भरा हुआ है तो मैं अब आगे बाकी वाणी कैसे पढ़ूंगा, है ना। बट आप ये हिसाब लगा लो कि दैट इज़ द रीज़न वाई इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि अब आप ध्यान दो कि अगर आप हर एक मात्रा को ऐसे ध्यान दे दे के पढ़ोगे कि हाँ तत्ते में से हारी है तो उसको भी बोलना है, मम्मे में ओंकड़ है तो उसको भी बोलना है ना, तो
आपका ध्यान भटक ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। आप काफी कोई कंफ्यूजन ये होते हैं ना प्रॉब्लम्स की, ध्यान नहीं लगता कि वाणी पढ़ते हो। अब आप ये सोचो कि आपको हर एक मात्रा में ऐसे ध्यान दे दे के पढ़ना होगा, तो आपका ध्यान तो वैसे भी नहीं हट सकता गुरबाणी से, या आप गुटके साहब के हट ही नहीं सकते। और मोस्टली कह लो कि आप गुटका साहब ही नहीं छोड़ सकते, आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं, देर इज़ अ टाइम फॉर मी कि मैं गुटका साहब यूज़ करना छोड़ दूँ। बट जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आप समझ लो कि आपको गुटका साहब आप ऐसे है कि आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, आपको गुटका साहब हमेशा चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज़ हाउ परफेक्ट महाराज हमको चाहते हैं कि हम हों, कि हमको ये भी पता हो कि पुरख के खखे के नीचे ओंकड़ है। इवन दो हमको साउंड नहीं सुनाई दे रही, हमको ये पता होना चाहिए कि इसके नीचे ओंकड़ है, इधर मूरत है, तत्ते में से हारी है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ हमको गुरबाणी कंठ है प्रॉपर, ठीक है। सिर्फ पढ़ लेना इज़ नॉट कंठ, मतलब एक लेवल है वो भी, कि उस लेवल तक की कंठ हो गई हमको कि हम एटलीस्ट बोल सकते हैं। बट द मेन जो टॉप लेवल का कंठ होगा वुड बी कि हमको ये भी पता हो कि तत्ते में क्या है और या ऐसी एरियाज में क्या है, दद्दे में क्या है। कोई सवाल है क्या शाहजो जी? वी कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। जी वीर जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी वीर जी, वो जरा जब जी साहब, सॉरी जरा जाप साहब, ओदे विच एक वो मतलब अक्षर होंदा ना तव प्रसाद, नु हिता व कहना जां तवै कहना है? तवै 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 तवै, ओही मैं कह रहा सी कुछ। हाँ जी, तब नहीं कहना, तवै कहना। वही मैं कह रहा था कुछ एक्सेप्शन होंदियाँ जिदे विच कि सानू ध्यान देना होंदा कि जो लिखा है वही नहीं पढ़ना होंदा। सिमिलरली हुण मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि जाप साहब विच काफ़ी सारे वेरिएशन आते हैं, ठीक है। जिमें हाँ जब आप चौपी साहब पढ़ते हैं पछैया आता है ना, जे जे तुसी उन्हूं जिमें लिखा है उदा ही पढ़ोगे तो शायद उसकी साउंड कुछ होर आवे। पछैया ईड़ी से हारी फिर यइया होंदा है, बट उन्होंने पछैया नहीं पढ़ना, पछैया होंगे, ठीक है। ईड़ी नू बिहारी लग जाती है उत्थे। एक होर क्वेश्चन ही, जिदा अं मतलब कि एक तो होंगे ना जिदा मतलब कि संगत लई बाणी पढ़नी उदों ते अं बहुत स्लो पढ़ते हैं, क्लीयर होए जिदा घर पै के पढ़ने, तुहानू की लगता कि मैक्सीम स्पीड की होनी चाहिए? क्योंकि कई मैं सिंह बहुत तेज पढ़ते गुरुद्वारे बड़ी तेज पढ़ते, कई बार पढ़न गए। स्पीड का कोई फर्क नहीं पैंदा जी, तेज भी पढ़ सकते हो स्लो भी पढ़ सकते हो, स्पीड इज नैवर एन इशू। हाँ जी, ये जरूर है कि कई तेज़ पढ़न नाल संगतां नूं शायद ना समझ आवे, ठीक है, तो उत्थे कन्फ्यूजन हो सकती है। बट जे तुसी इंडिविजुअल लैवल ते गल करदे हो दैन देर इज़ नो स्पीड लिमिट, जिन्ना ज़्यादा तेज़ पढ़ सकते हो पढ़ो, जिन्ना ज़्यादा स्लो पढ़ सकते हो पढ़ो। काफ़ी मेरे ख्याल से सिंह इदा भी करते हैं कि जिन्हां नूं ऑडियो फाइल जिहड़े सुनते हैं वो एवें भी करते हैं कि जपजी साहब 10 मिनट्स वाला वर्जन भी हुंदा एक, है ना, फिर वो भी सुन लेंदे ने। सो इट्स ओके, जे तुसी कर भी सकते हो तो कर भी सकते हो। बट हाँ जी, इदा हो सकता है कि जब तुसी ताब्या बैठे हो, है ना, तो जब संगत थानू सुन रही है उस वेले देर इज़ सानू अपने दिमाग च जरूर ध्यान रखना चाहिए कि संगत विच हरे, है ना, हरेक लैवल दे हुंदे ने, कईयां नूं समझ लगती है कईयां नूं नहीं। सो वो एक मीडियम पेस रखनी जरूरी होंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो नेक्स्ट विल बी जो जपजी साहब की पौड़ियाँ वो हम स्टार्ट करेंगे आद सच के बाद, अपना सोचे सोचना हो गई तो, एंड उसको हम ऐसे वन बाय वन पॉइंट नहीं पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है जी। जैसे हमने मैंने एक एक अक्षर बताया था, ये मैंने इस सेशन में इसलिए एक एक अक्षर बताया क्योंकि इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज मूल मंत्र, तो मूल मंत्र का जाप हमारा स्पष्ट हो, सो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। बट इन फ्यूचर ऑलवेज हम पंक्ति बाय पंक्ति ही जाएंगे। आज के लिए इतना ही संगत जी। ये आज हमने जपजी साहब का मूल मंत्र किया है, नॉट जपजी साहब का मूल मंत्र बट मूल मंत्र किया है, तो एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ एज अ क्लोजिंग सेशन। सो दिस विल गो लाइक, एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।